What's up guys, I am AR. आज हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुर्ता पजामा के साथ कौन सा पजामा नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, कुर्ते के साथ ऐसे कौन सी टाइप्स के पजामा हैं जो आप पहन सकते हैं। अच्छा, वैसे कुर्ते के साथ पजामे की बात की जाए, ट्राउजर की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा टाइप्स के पजामा हैं। लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, बट मेरी तीन पिक है जो कि मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं। और ये तीनों पजामा मैंने खुद भी पहने हैं, मैंने खुद भी ट्राई किए हैं और एनालिसिस किया है कि कौन से पजामा मेरे पे ज्यादा सूट कर रहे हैं और आपको अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने इवेंट के अकॉर्डिंग कौन सा पजामा चूज करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो। वैसे तो मैंने आपके लिए कुर्ता पजामा की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। बट इस टॉपिक के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई आपको पजामा की टाइप्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा और मैंने अपने चैनल पे गौर से देखा कि यार इस तरह की वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई। इसलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे वीडियो बने, आप मुझे कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। आप कुर्ते के साथ किसी भी टाइप ऑफ ट्राउजर को चूज करें, कोई भी पजामा चूज करें, एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी जो मोस्ट ऑफ द गाइस करते हैं। मैं देखता हूं बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, आपने ज्यादा टाइट पजामा स्टिच नहीं करवाना। लोगों ने इतना टाइट पजामा स्टिच करवाया होता है कि जब भी वो बैठते हैं उनका पजामा ऊपर उठ जाता है और उनका सारा कुछ नजर आ रहा होता है। इतना टाइट पजामा होता है कि उनके नीचे वाले पार्ट्स भी कह रहे होते हैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। वैसे यार कभी कभी मेरा दिल करता है शुगर लगाने के लिए, इसलिए कोई मसला तो नहीं है, चुम्मी चुम्मी ला लो, मुश्किल तो नहीं है। बस भाई आइंदा के बाद अगर आप कुर्ता पजामा स्टिच करवा रहे हैं या आप पजामा रेडीमेड बाय कर रहे हैं, आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट टाइम आप बहुत ही ज्यादा टाइट पजामा, आपकी लेग्स को ग्रैब किया हुआ पजामा नहीं पहनेंगे। नंबर वन इज चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा इज वन ऑफ द क्लासिक पजामा। अब जब भी इसको किसी भी फंक्शन में पहनते हैं आपकी एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक आती है। इस पजामे की बात करें तो ये पजामा थोड़ा सा नैरो होता है और इसमें आपके बॉटम पे रिंकल्स आ रहे होते हैं। ये पजामा आपको कब यूज करना चाहिए, तो रेगुलर रूटीन में आपको कभी भी ये वाला पजामा रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको ये पजामा अपने फंक्शंस पे ही पहनना चाहिए। कौन से फंक्शंस पे पहनना चाहिए, लाइक अगर किसी की शादी है, मेहंदी का फंक्शन है, तब आप पहन सकते हैं। ये मैंने शादी पे पहना था, आप देख सकते हैं मेरा डिजाइन कुर्ता था, उसके साथ मैंने चूड़ीदार पजामा पहना था, बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा था। आप भी इस तरह का पजामा चूज कर सकते हैं अगर आप किसी की शादी के फंक्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ पजामा को आपको कौन से कुर्ताज के साथ पहनना चाहिए, तो आपको इस पजामे को कभी भी सिंपल कुर्ते के साथ नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इस पजामे के साथ आपको हमेशा थोड़ा सा डिजाइन कुर्ता पहनना चाहिए। लाइक आप इसके साथ डिजाइन कुर्ता पहन सकते हो, आप इसके साथ एसिमेट्रिकल कुर्ता पहन सकते हो और आप इसके साथ चिकनकारी कुर्ता भी पहन सकते हो। पजामा नंबर टू इज नैरो फिटेड पजामा, वन ऑफ द क्लासी एंड ट्रेंडी पजामा। आजकल फैशन में बहुत ही ज्यादा इन है। जिन मेरे भाइयों को थोड़ा सा शेप में पजामा पसंद है वो नैरो फिटेड पजामा स्टिच करवा सकते हैं। आप जब भी कोशिश करें कि रेडीमेड बाय कर रहे हैं, अगर वो आपको प्रॉपर फिट नहीं है, मींस के अगर आपको वो नैरो फिटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा लूज है, तो आप उसको टेलर फिटेड करवा सकते हैं। भाई अब नैरो फिटेड का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको पहले गलती बताई थी वो आप रिपीट करें। मींस इतना ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा टाइट पजामा नहीं होना चाहिए। जो आपकी लेग्स का स्ट्रक्चर है, जो आपकी लेग्स की शेप है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप पजामा पहनते हैं आपने चलना होता है, आपने बैठना होता है, तो आपको पजामा कंफर्ट होना चाहिए आपकी थाई से, आपके बर्थ से। इस पजामे की लेंथ की बात करें तो मैं पजामे की लेंथ अपने शूज तक रखवाता हूँ, मींस के मेरे टॉप ऑफ द शूज पे मेरा पजामा टच कर रहा होता है। आप अपनी लेंथ एंकल तक भी रखवा सकते हैं या आप लेंथ थोड़ी सी एक इंच बड़ी भी रखवा सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक इंच बड़ी इसीलिए रखवाता हूँ क्योंकि जब भी बैठता हूँ तो पजामा थोड़ा सा ऊपर उठता है, और अगर आपने ज्यादा शॉर्ट लेंथ रखवा ली तो आपका पजामा ज्यादा ऊपर उठेगा और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा। इस टाइप ऑफ पजामा के साथ कुर्ता की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि आप इसके साथ कोई भी कुर्ता चूज कर सकते हैं।
मीन्स आप इसके साथ सिंपल कुर्ता भी पहन सकते हैं, आप इसके साथ डिजाइन कुर्ता भी पहन सकते हैं, आप इसके साथ एसिमेट्रिकल कुर्ता भी पहन सकते हैं, चिकनकारी कुर्ता भी पहन सकते हैं, रॉयल सिल्क कुर्ता भी पहन सकते हैं, इट्स अप टू यू। पजामा नंबर 3 इज स्ट्रेट फिट पजामा, वन ऑफ द सेफ पजामा एवर। अगर आपको कुर्ता पजामा में थोड़ा सोबर लगना है, थोड़ा क्लासी लगना है, थोड़ा और ज्यादा स्टाइलिश लगना है, तो आपको हमेशा स्ट्रेट फिट पजामा रिकमेंड करूंगा। बिकॉज स्ट्रेट फिट पजामा मैंने खुद भी बहुत ज्यादा ट्राई किया है। इसको आप प्रिंस कोट के साथ भी पहन सकते हैं, इसके ऊपर आप वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा सोपर लगेंगे, बहुत ही ज्यादा क्लासी लगेंगे। ये बहुत ही सेफ पजामा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप फर्स्ट टाइम कुर्ता पजामा स्टिच करवा रहे हैं, तो आपको हमेशा स्ट्रेट फिट पजामा के साथ जाना चाहिए। इस टाइप ऑफ पजामा की फिटिंग भी आपकी लेग्स के अकॉर्डिंग होती है, मीन्स आपके लेग्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस तरह की आपकी लेग्स है उससे थोड़ा सा लूज होना चाहिए पजामा, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और उसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट फिट होनी चाहिए, नीचे आके नैरो फिटेड नहीं होनी चाहिए। अब लूज का मतलब यह नहीं है कि आपने बिल्कुल शलवार की तरह पजामा स्टिच करवा लेना है। अगर आपने ज्यादा लूज पजामा स्टिच करवाना है तो आप शलवार ही पहन लो, और इतना ज्यादा खुला पजामा नहीं होना चाहिए कि आपके उसमें चूहे घुस जाए। बात करें आपको इसके साथ कौन सा कुर्ता चूज करना चाहिए, तो आप इसके साथ सिंपल कुर्ता भी पहन सकते हो, और आप इसके साथ थोड़ा सा डिजाइन कुर्ता भी पहन सकते हो जिसके बैम पे और कफ पे डिजाइन हो। इस पजामे की एक और खास बात यह है कि आप इसको फंक्शंस पे भी पहन सकते हैं, किसी इवेंट पे भी पहन सकते हैं, जो मैंने आपको कुर्ता बताया है उसके साथ ट्राई कर सकते हैं, और आप इसको रेगुलर रूटीन में भी पहन सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कुर्ता पजामा, मेंस लाइफस्टाइल, फिटनेस एंड फैशन, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस दूंगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अटैच हैं, मुझे मैसेज करके पूछते हैं, मैं उनको रिस्पांस करता हूं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। आई विश यू गुड, टेक केयर।